नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 47वें मैच में चेन्नई और राजस्थान की टीमें आमने सामने थी और इस मुकाबले में चेन्नई के बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस दौरान 60 गेंदों पर 101 रनों की नाबाद पारी खेली। ये उनके आईपीएल करियर का पहला शतक था। ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी पारी में 9 चौके और 5 बड़े बड़े छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने 108 मीटर का भी छक्का लगाया और इस सीजन सबसे बड़े छक्के लगाने की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने मुंबई के दिग्गज ऑलराउंडर और धाकड़ बल्लेबाज कायरन पोलार्ड को पीछे छोड़ दिया। इस सीजन कायरन पोलार्ड के नाम 105 मीटर का छक्का लगाने का रिकॉर्ड था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने इसे तोड़कर अब नंबर एक की कुर्सी हथिया ली है। इसके अलावा इस मैच के ही दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 103 मीटर का भी एक छक्का लगाया। वहीं एक छक्का 98 मीटर का था, यानी हर छक्का उससे बड़ा होता चला गया और आखिरकार उन्होंने 108 मीटर का छक्का लगाकर इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में भी अपने आप को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया है। आपको बता दें, इस सीजन वो अब तक 20 छक्के लगा चुके हैं। वहीं इस पारी के दौरान उन्होंने ऑरेंज कैप भी हथिया ली और 508 रनों के साथ इस सीजन 500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 मैचों की 12 पारियों में 508 रन बनाए। इस दौरान उनकी एवरेज 50 के ऊपर की है। इस दौरान उन्होंने 53 चौके और 20 छक्के लगाए हैं। 508 रन की इस रन में उन्होंने एक शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके हैं। आपको बता दें, ऋतुराज गायकवाड़ की दमदार शतक के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उस मुकाबले में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। चेन्नई की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और टॉप 2 में बने रहने के लिए लगातार मैचेस जीतना चाहेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।